Hello students, today I will start new chapter and this is the transportation problem. So first of all, what are the transportation problems? Last lecture से मैंने आपको assignment problems के बारे में बताया था और I hope आपको assignment problems समझ में आई होगी. Assignment problems में मैंने 4 types बताए थे आपको, चारों types के प्रॉब्लम बताए थे जिसमें से एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी थी और बाकी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे और ये भी बताया था क्या होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. इसकी डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बताऊँगा. Transportation problem. Student, transportation problems जो होते हैं किस तरह से इनको नोट किया जाता है, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स थी वो n क्रॉस n की मैट्रिसेस के फॉर्म में हुआ करती थी. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का द स्ट्रक्चर of the transportation problem is in the form of the rectangular table. That is rectangular table, जैसे कि assignment problem n cross n के matrices के form में होती थी. ठीक है, मतलब square matrix के form में. और transportation problem आपके rectangular table, that is मतलब number of rows not equal to number of columns, कुछ भी ज़्यादा हो सकता है कुछ भी कम हो सकता है, मतलब m cross n के form में होंगी. ठीक है, so as example मैं example के तौर पर अगर आपको बताऊँ इसका structure, ये हम लोगों ने वाली market. ठीक है, and here is फैक्ट्री. सो ये D1, D2 शो ऑन द DN. और O1, O2 शो ऑन द ये आपका हो गया OM. ठीक है, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी होती है इसमें इधर सप्लाई डिमांड. ठीक, एंड यहाँ पर लिमिट्स होगा C11, C12, C1N. सप्लाई कुछ भी दिया होगा A1, एंड इस तरह के फॉर्म में होती है. मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कि किस तरह का फॉर्म होता है. ठीक है, CM1, CM2, CMN, AM. और डिमांड आपकी होगी B1, B2, शो ऑन द BN. और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इस तरह का ही क्वेश्चन भी होता है आपका, सप्लाई दिया होगा, डिमांड दिया होगा और ये M क्रॉस N की कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर टेबल एक दी हुई होगी. ठीक है, और यहाँ पे समेशन ऑफ AI इज इक्वल टू समेशन ऑफ BJ. इसका मतलब जो होता है, जो सप्लाई का जो सारी एलिमेंट्स होंगे सप्लाई में A1, A2, इन सब का सम और जो डिमांड का सम होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो भी टेबल आप मॉडिफाई करते जाएंगे उसमें सप्लाई का सम और डिमांड का सम इक्वल आना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म को ये होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये डिमांड के लिए यहाँ पर और ये होता है सप्लाई. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसा, द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल. और उसका फॉर्म भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन
प्रॉब्लम का फॉर्म, एम क्रॉस एन के फॉर्म में होती है टेबल। ये सप्लाई इधर दी हुआ होगा और इधर डिमांड, और यहाँ पर देखिए सप्लाई डिमांड का सम दिया होगा और दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा कि जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में कई टाइप के प्रॉब्लम्स होते थे, ठीक है, फोर टाइप्स के मैंने आप लोगों को बताए असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के भी कई मेथड है सॉल्व करने के। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, TP, इन शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके थ्री मेथड्स हैं, थ्री मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक, एंड द सेकेंड है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, एंड द थर्ड इसको शॉर्ट में बोलते हैं वैम या फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक। थ्री टाइप्स, थ्री मेथड से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट रूल जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बिल्कुल जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व की जाती हैं। इसका नाम जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बताऊंगा इस प्रॉब्लम का कि ये रूल कैसे मतलब ऑपरेट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम को इस रूल के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। नाउ वी टेक एग्जाम्पल। सबसे पहले आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और अब मैं जो ले रहा हूँ पहला एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर वन, ये रूल नंबर वन के प्रॉब्लम्स, रूल नंबर वन, ठीक। रूल नंबर वन आपका है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसका एग्जाम्पल मैं आज आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल नंबर वन। मैं एक क्वेश्चन आप लेकर यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन में है फाइंड द इनिशियल BFS, दैट इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, टू द TP, टीवी मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ जो प्रॉब्लम दी है इसका हम लोगों को फाइंड द इनिशियल BFS, इनिशियल BFS फाइंड करना है हम लोगों को, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दी हुई है D1, D2, D3, D4, सप्लाई देखिए उसी फॉर्म में होगी पूरी, और F1, F2, F3 एंड यहाँ पर है डिमांड, ठीक है, उसी फॉर्म में है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया M क्रॉस N के फॉर्म में होगी सप्लाई डिमांड, और यहाँ पर दिया होगा सम। अभी सब कुछ इसमें मैं नोट कर देता हूँ, 19, 15, 30, 14, 16, 25, 23, 12, 16 and 11, 21, 39, 11, 13 and here 19, डिमांड्स होंगे 6, 10, 12, 15,
ये आप लोगों की प्रॉब्लम दी हुई है। सो इसमें मैं बताऊंगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यूज़ करेंगे और कैसे इसके लिए हम लोग इनिशियल BFS को फाइंड करेंगे। सो देखिए, ये डिमांड दिया, सप्लाई दिया, और एक चीज़ मैंने बताया कि जो इनका समय और इसका समय यहाँ पर वैल्यू दी होगी वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका समय आएगा आपका 11:13:19 का 43, इसका भी सम 43 आना चाहिए, 16:12:28 एंड 15+43, सो ये फिर 43। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कई स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। हाँ, तो इसको कई सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, कई सारे टेबल्स बनती हैं, तब जाकर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप नंबर 1, देखिए स्टेप नंबर 1 में पहले मैं टेबल आपको यहाँ बनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है इसमें। D3 D4 सप्लाई, F1 F2 F3 डिमांड। ठीक है, देखिए इसमें एलोकेशन किया जाता है। ठीक, कैसे किया जाता है, जैसे अपने रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इस रूल में क्या होता है, प्रॉब्लम जैसे ये दी हुई है आपकी, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और तब तक एलोकेशन करते हैं, तब तक एलोकेशन करते हैं जब तक एक रो या एक कॉलम के जब ना बच जाए, तब तक मतलब लास्ट तक करते रहते हैं। और मतलब एक रो या एक कॉलम बचेगी, उसके भी दोनों एलिमेंट, मतलब जो भी जितने भी एलिमेंट हैं वो भी एलोकेट ना हो जाए, तब तक एलोकेशन। तो कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपने प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ पर 19, ठीक है, 14, 23, 11, 15, 16, 12, 21, 30, 25, 16, 39, and 11, 13, 19, and demands are 6, 10, 12, 15, 43। देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है अपना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम में स्टेप नंबर 1 जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल नेम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, आपका जो पहला एलिमेंट यहाँ पर है 19, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कॉर्नर का एलिमेंट है जो आपका पहला यहाँ पर, उसको हम लोग एलोकेट करते हैं, यहाँ से एलोकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कॉर्नर का जो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हुआ आपका, और जो यहाँ का एलिमेंट होता है उसको हम लोग एलोकेट करेंगे। तो कैसे एलोकेट करेंगे, ठीक है, देखिए एलोकेट करने का सप्लाई और डिमांड में इस एलिमेंट के लिए सप्लाई क्या है 11 है और डिमांड क्या है 6 है, जो मिनिमम होगा ठीक उसी से एलोकेट करेंगे। तो मैं आप पहले लिख के बता देता हूँ कि कैसे, वी एलोकेट एट सेल 1,1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर एलोकेट करेंगे, ठीक है, विथ मिनिमम मिनिमाइजेशन ऑफ 11,6। मिनिमाइजेशन मिनिमम लिया जाता है, सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम होगा उसको हम लोग उसके थ्रू हम लोग एलोकेट करेंगे। ठीक है, वी एलोकेट एट सेल 1,1 विथ मिनिमाइजेशन ऑफ 11,6। नाउ डिलीटिंग D1 कॉलम, देखिए ये डिलीट कैसे करते हैं, जब हम लोग एलोकेट करेंगे तो मिनिमम देखेंगे किस में है, मिनिमम डिमांड में है या सप्लाई में है। ठीक है, अगर आपका सप्लाई में मिनिमम होता तो हम लोग ये वाली रो को डिलीट करते, पूरी रो ये डिलीट हो जाती आपकी, ठीक है, ये पूरी रो आपकी क्या हो जाती, डिलीट हो जाती। और अगर आपका कॉलम में यहाँ पर अगर सप्लाई, अगर डिमांड आपकी यहाँ पर जो है वो अगर मिनिमम है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे। तो हम लोगों के क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों पहले स्टेप में जब हम लोगों ने 1,1 का एलिमेंट एलोकेट किया है, ठीक है, विद मिनिमाइजेशन ऑफ 11,6 इनमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा सप्लाई एंड डिमांड में, ठीक है, सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम एलिमेंट है वो हम लोगों का 6 है। तो हम लोगों ने जब एलोकेट किया
तो हम लोगों के जो मिनिमम एलिमेंट क्या है, डिमांड में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है सिक्स, तो सिक्स के थ्रू हम लोगों ने इसको एलोकेट कर दिया और डी वन कॉलम को डिलीट करेंगे, क्योंकि क्या है, इसमें मिनिमम एलिमेंट है, इस कॉलम में डिमांड मिनिमम एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको डिलीट करेंगे। तो जब डिलीट करने के बाद जो आपकी मॉडिफाइड टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, जब डी वन कॉलम डिलीट हो जाएगा तो अब क्या, डी वन तो हट ही गया तो रिमूव हो गया, डी टू, डी थ्री एंड डी फोर, थ्री कॉलम्स बचे, ठीक, रो वही रहेंगी उतनी ही। अभी सबको मैं बताऊंगा कैसे करना है। डिमांड सप्लाई, देखिए जब D1 कॉलम हम लोगों ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट 6 था, 11 कॉमा 6 में देखेंगे, 11 और 6 में मिनिमम एलिमेंट 6 था। अब देखिए जब D1 कॉलम हम लोगों ने डिलीट किया, ठीक है, तो यहाँ पर जिससे एलोकेट किया है 6 से हुआ, ये वाला हट ही गया आपका, ठीक है, ये आपका रिमूव हो चुका है, तो इसको तो लिखना नहीं, डी टू की जो एलिमेंट है उसको हम लोग लिख लेंगे, 14, 16, 25, ठीक है, डी थ्री के एलिमेंट है 23, 12, 16, डी फोर के एलिमेंट्स 11, 21, 39। अब देखिए एलोकेशन हुआ था 6, ये वाला कॉलम चला गया था। अब देखिए सप्लाई में उसी रो तो वही बनी हुई है अपनी, ठीक है, तो सप्लाई में यहाँ पर क्या आएगा, 6 को इसमें से 6 को क्या करेंगे, 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे, तो जो बचेगा वही यहाँ पर आएगा, तो 11 से क्या 5 बचेगा, ठीक है, बाकी जो रो का था वो सेम ही रहेगा सप्लाई, F2 के लिए सप्लाई 13 थी, F3 के लिए सप्लाई 19 है, तो वही सेम ऐसा रहेगा, ठीक है, बट इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जितना एलोकेट हुआ है, ठीक है, 6 डिमांड गया था तो वहां से 6 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी मान लीजिए अगर आपका ये रो डिलीट हुआ होता, ठीक है, तो यहाँ पे जब मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है तो इससे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिमांड से, सो ये सेम एज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर तो एक कॉलम आपका पूरा चला गया था, डी टू, डी थ्री, डी फोर के लिए क्या है, 10, 12, 15। अब देखिए इनका और इनका सम क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो इसका सम 37 आ रहा है, इसका सम भी 37 आ रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आता है स्टेप नंबर टू, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, एलोकेशन करना हम लोगों को, ठीक है, कब तक करना है, जब तक एक रो या एक कॉलम ना बचे और उसके भी एलिमेंट को एलोकेट करेंगे। सो अब देखिए सेकंड स्टेप में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, पहला वाला कॉर्नर का एलिमेंट उठाया जाएगा, ठीक है, तो हमने जब ये वाला एलिमेंट लिया 14, अब देखिए 5 और 10 में कौन सा मिनिमम है, 5, ठीक है, तो 5 के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे, 5 और 10 में जो मिनिमम होगा, मैंने क्या बताया, सप्लाई डिमांड में जो मिनिमम होगा उसके थ्रू हम लोग एलोकेट करेंगे, ठीक, जब एलोकेशन किया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउ वी एलोकेट एट सेल 1, 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, क्योंकि फर्स्ट रो कॉलम तो आपका डिलीट ही हो चुका था, ठीक है, विथ मिनिमाइजेशन ऑफ 5, 10, नाउ डिलीटिंग F1 रो। अब देखिए F1 रो क्यों डिलीट करेंगे, बिकॉज ऑफ मिनिमम एलिमेंट आपकी सप्लाई में है, रो में है, सो हम लोग इसको डिलीट करेंगे F1 रो को, तो क्या बनेगी मॉडिफाइड टेबल, देखिए कॉलम तो आपके वही रहेंगे D2, D3, D4, बट रो आपकी एक चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी, तो बचेगी कौन सी, F2 एंड F3, ठीक है, यहाँ आपका डिमांड, यहाँ पर सप्लाई, ठीक, देखिए ये आपका एलिमेंट्स सारे सेम रहेंगे, F2 रो पे आइए, F1 डिलीट हो चुकी है, अब उससे हमें कोई मतलब नहीं है, F2 रो पे आइए, F2 में क्या है एलिमेंट, 16, 12, 21, ठीक, 16, 12, 21, F3 रो में आइए, 25, 16, 39, ठीक है, इसके लिए सप्लाई क्या थी सेकेंड रो के लिए, F2 के लिए सप्लाई थी 13, ठीक, क्या रहेगी 13, F3 के लिए सप्लाई थी 19। अभी देखिए
डी टू कॉलम पे ये एलोकेट हुआ 14 एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोगों का क्या गया था, रो पूरी गई थी, अभी मिनिमम है 5-10 में, 5 मिनिमम था, तो हम लोगों की ये क्या हुआ, रो पूरी डिलीट हो गई थी क्योंकि मिनिमम एलिमेंट सप्लाई में था। अगर डिमांड में होता तो कॉलम पूरा डिलीट हो जाता। अभी जब ये डिलीट हो गया है, तो जब ये 5 एलोकेट किया है तो यहाँ पे क्या 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जितने से एलोकेट होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, या तो डिमांड पे अगर कॉलम डिलीट होता तो यहाँ सप्लाई में सब्ट्रैक्ट हो जाता, अगर रो डिलीट हुई है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड में सब्ट्रैक्ट, तो 5 बचा, तो 5 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 5, बाकी सेम एज रहेगा 5, 12, 15, ठीक है। जब सम करेंगे इसका सम आएगा 32, देखना दोनों तरफ का इक्वल आना चाहिए, इधर का सम एंड इधर का सम 32 ही आ रहा है, मैंने देख लिया है। अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3, ठीक। अब फिर से एलोकेट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग, पहला कॉर्नर लिया हम लोगों ने, ठीक, पहले कॉर्नर का एलिमेंट लिया। अभी मिनिमाइजेशन देखेंगे 13 और 5 में, सप्लाई डिमांड में मिनिमाइजेशन देखते हैं उस एलिमेंट के लिए, 1, 2 जो भी आपका ये भी है, 13, 5 में मिनिमम एलिमेंट इज 5, तो 5 के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, और 5 इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज ऑफ हम लोगों का ये डिलीट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख देता हूँ, वी विल एलोकेट एट सेल 2, 2, 2, ठीक, सेकेंड रो एट सेकेंड कॉलम में 2, 2 विथ मिनिमाइजेशन ऑफ 13, 5। नाउ डिलीटिंग D2 कॉलम, हम लोग ये डिलीट करते जाते हैं, ये मैं बताता जा रहा हूँ डिलीट। अभी देखिए, जब ये एलिमेंट एलोकेट किया, ठीक है, तो इसमें मिनिमम एलिमेंट इज 5, सप्लाई एंड डिमांड में मिनिमम क्या है 5, 5 के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसको एलोकेट किया, तो ये वाली क्या हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक, तो जब डिलीट हो जाएगा कॉलम, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मैंने लास्ट स्टेप में भी बताया प्रीवियस स्टेप में। तो अब क्या जो नई मॉडिफाइड टेबल बनेगी क्या बनेगी, अभी देखिएगा D2 कॉलम डिलीट हो चुका है, D3 एंड D4 बचेंगे, ठीक है। F2, F3 एलिमेंट्स D3 और D4 के लिखे जाएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 12, 16, 21, 39। अभी देखिए यहाँ पर सप्लाई में 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 13 में, 13 में 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा, 8, ठीक है, और बाकी सेम एज रहेगा, यहाँ पर आपका क्या था, 19 था, ठीक है, और यहाँ पर डिमांड है, डिमांड भी आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 था ना थर्ड कॉलम के लिए, D3 के लिए 12 और D4 के लिए 15, ये सेम रहेगा, बाकी उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा जो भी रो या कॉलम डिलीट किया जाएगा, और जिस नंबर से वो एलोकेट हो रहा है उतने नंबर वहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। इनका सम यहाँ पर हर स्टेप में इनका और इनका सम क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा 27। अब ये आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 अब इसमें एलोकेशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर का एलिमेंट है 12, ठीक, एंड मिनिमम एलिमेंट 8 एंड 12 में आपका है 8, मिनिमम एलिमेंट है आपका 8 के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे। जब एलोकेट करेंगे, देखिए 8 और 12, अब यहाँ पर क्या होगा, रो डिलीट होगी, बिकॉज ऑफ मिनिमम एलिमेंट सप्लाई में है, तो क्या होगा, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, जिसमें भी मिनिमम एलिमेंट होता है ना वही डिलीट होता है। अगर आपका कॉलम में मिनिमम होता है तो हम लोग कॉलम पूरा डिलीट कर देते, रो में मिनिमम है, रो मिनिमम मतलब सप्लाई एंड डिमांड में देखा जाता है मिनिमम, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वी विल एलोकेट एट सेल 2, 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है, विथ मिनिमाइजेशन ऑफ 8, 12
नाउ डिलीटिंग एफ टू रो, ठीक, ये क्या हो जाएगा, पूरी रो को हम लोग डिलीट कर देंगे। जब डिलीट कर देंगे तो जो नई आपकी बनेगी मॉडिफाइड, जो नई मॉडिफाइड आपकी बनेगी टेबल, वो इस तरह से एफ टू तो आपकी चली गई है, केवल एफ थ्री बची, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा डिमांड में, सॉरी ये आपके दो कॉलम बचे थे डी थ्री एंड डी फोर, यहाँ सप्लाई, यहाँ डिमांड, ये लास्ट तक आपकी जो यहाँ की वैल्यू होगी वो इक्वल ही रहेगी, सम जो होगा इसका, इनका सम और इनका सम जो भी है वो इक्वल ही रहेगा। तो अब देखिए D3 कॉलम, F2 रो तो चली गई है, F3 में देखिए D3 कॉलम पे एलिमेंट है 16, F3 और D4 कॉलम में है 39, ठीक, और सप्लाई में है 19। अब देखिए यहाँ 8 था तो 8 इधर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 15, जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए 19 आएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 15 for 19, तो इसका सम क्या लास्ट स्टेप तक इक्वल ही आएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, तब तक एलोकेट करते हैं जब तक एक रो या एक कॉलम ना बचे। अब यहाँ पर एक रो बची है सिर्फ, ठीक है, अब एक रो बची है या फिर एक कॉलम भी बच सकता था, एक कॉलम मतलब दो रो या फिर बच सकती थी, एक कॉलम भी बच सकता था और यहाँ पर आपका क्या बचा, एक रो। अब इसके दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एलोकेट। तो इसके लिए 16 के लिए मिनिमम एलिमेंट 19 और 4 में, ठीक भाई, इस सेल के लिए क्या, इससे इससे 19, इसके लिए सप्लाई 19 और डिमांड क्या है 4, तो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा 4, ठीक। और इसके लिए D4, अगर ये कॉलम बचा होता और दो रो बची होती तो सप्लाई और तब भी डिमांड में ही देखा जाता कौन सा मिनिमम है, उसी के अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाता। अभी अभी ये D4 कॉलम में है, 39 को कौन सा एलोकेट, 19, 15 में मिनिमम क्या है 15, तो यहाँ पर ये एलोकेशन आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका स्टेप नंबर 5 था, ठीक है। अब बनाते हैं एलोकेशन टेबल। एलोकेशन टेबल मींस होता है जहां जहां पर जो जो एलिमेंट एलोकेट हुए थे अभी तक लास्ट स्टेप में, ठीक, जैसे 16 4 एलोकेट किया है, ठीक, 39 15 एलोकेट किया है एंड द ऊपर, ठीक, तो जो जो एलिमेंट एलोकेट हुए हैं जिस जिस भी सेल में, ठीक है, सेल मैंने बताया ना 2, 3, 1, 1, 1, 2, तो जो जो एलिमेंट एलोकेट हुए हैं उनके सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। एलोकेशन टेबल में देखिए जो प्रॉब्लम आपकी दी होगी, ठीक है, उन सबको पहले हम लोग एलोकेशन टेबल में लिख लेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम के जो एलिमेंट्स हैं 19, 15, 30, ठीक है। तो एलोकेशन टेबल मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ भी, तो उसको देखिए, प्रॉब्लम में जो एलिमेंट होंगे आपके, इसमें 4 कॉलम और 3 रो हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितने कॉलम उतनी रो, 4 कॉलम है तो 3 रो है, ठीक है, देखिए 4 कॉलम है 3 रो है, ठीक है, मैंने दो दो के लिए लिया है, 4 कॉलम है 3 रो है। अब देखिए प्रॉब्लम में जो जो एलिमेंट दिए थे उनको सबको यहाँ पर कॉर्नर में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट था 19, ठीक है, एंड यहाँ पर जो एलिमेंट था वो आपका था, देख लीजिए 19, 14, 23, 11, ठीक है, तो 19, 14 यहाँ पर 23 एंड यहाँ पर 11, ठीक है, कॉर्नर में यहाँ पर लिख लेते हैं सभी एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरह से सेकंड में 15 था, 16, 12 एंड यहाँ पर 21, और फिर यहाँ पर था 13, 25, 16, 39। देखिए एलोकेशन टेबल का मतलब होता है जो जो एलिमेंट एलोकेट हुए हैं अभी तक लास्ट स्टेप में, ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप में आपका 19 एलोकेट हुआ था फर्स्ट कॉमा फर्स्ट सेल पे 6 के द्वारा, ठीक है, सेकंड स्टेप में 14 एलोकेट हुआ था सेकंड कॉलम में था फर्स्ट रो में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो जो नंबर एलोकेट हुए हैं उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका कंप्लीट हुआ था 19 एलोकेट हुआ था और 6 के थ्रू, तो इसका जो एलोकेशन नंबर हो जाएगा दिस इज 6, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का कहाँ पे एलोकेट हुआ था 14,
सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो में 14 एलिमेंट होगा और वो 5 पे एलोकेट हुआ था। सेकेंड कॉलम ये है, फर्स्ट रो 14 एलिमेंट भी दिया हम लोगों को, 14 एलोकेट हुआ था, ठीक है, ये था 5। नाउ थर्ड स्टेप में आई, थर्ड स्टेप में था 16। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, जो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो की सेल थी 16 एलिमेंट दिया था, 5 पे एलोकेट हुआ था। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 16 एलिमेंट दिया है यहाँ पे, ये 5। इसी तरह से आपका फिर नेक्स्ट स्टेप में आइए, 12 एलोकेट हुआ था, विच इज 8 थर्ड कॉलम पे था, सेकेंड रो सेल पे थी, ठीक है। तो थर्ड कॉलम सेकेंड रो सेल जो थी 12 नंबर एलिमेंट भी दिया हम लोगों को, तो ये 8 पर एलोकेट हुआ था। इसी तरह से 16 आपका एलोकेट हुआ है 4 पर और 39 एलोकेट हुआ है 15 पर, ये तो मैंने लास्ट स्टेप में भी आपको बताया, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसा है। अगर नॉन डिजेनरेट BFS है तो हम लोगों को सिंपली निकल आता है। और नॉन डिजेनरेट BFS कैसे देखते हैं, M आपको है नंबर ऑफ रोज, ठीक, और N होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ रो एम प्लस एन माइनस बराबर माइनस वन इक्वल है अगर नंबर ऑफ एलोकेशन के, ठीक है, ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन। एम प्लस एन नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस एन माइनस वन सॉरी नंबर ऑफ एलोकेशन के अगर इक्वल है तो ये जो BFS होगा आपका कैसा होगा, नॉन डिजेनरेट BFS। सो दिस BFS इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट BFS। अगर m प्लस एन माइनस वन इक्वल है नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन मतलब ये वाले, ठीक, कितने एलोकेशन बन रहे हैं, ठीक। तो देखिए नंबर ऑफ रो आपके दिए हुए थे, आपने क्वेश्चन में दिया है m इक्वल्स टू 3, ठीक, एंड n इक्वल्स टू दिया है 4, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 6, और एलोकेशन कितने बन रहे हैं अपने, 1 2 3 4 5 6, एंड नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू 6, ये भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो अपना जो BFS हो जाएगा, सो दिस BFS इज नॉन डिजेनरेट BFS। नाउ टीपी कॉस्ट फॉर दिस BFS इज, टीपी कॉस्ट निकाला जाता है एट द लास्ट, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन मिनिमम जेड इज इक्वल्स टू, देखिए ये कैसे निकाला जाता है, मिनिमम जेड टीपी कॉस्ट 19.6 एलोकेट हुआ 19 पे, 14 पे 5 एलोकेट हुआ तो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक, 19 पे मल्टीप्लाई 6 का प्लस, ठीक है, 14 एलोकेट हुआ 5 के थ्रू तो 14 मल्टीप्लाई 5 प्लस, ठीक है, 16 एलोकेट हुआ 5 के थ्रू तो 16 मल्टीप्लाई 5। नाउ 12 एलोकेट 8 पर है तो 12 इंटू 8 प्लस अकॉर्डिंग टू दिस 16 एलोकेट ऑन द 4 तो 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस एंड द लास्ट 39 मल्टीप्लाई 15। इनका सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड दिस इज 114, दिस इज 70, दिस इज 80, दिस इज 96, 64 एंड एट द लास्ट 585, और इनका सबका सम जो होगा 1009 के। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। हम लोगों को मिनिमम टीपी कॉस्ट निकालनी होती थी BFS के लिए, ठीक है, और आपके जो BFS है वो कैसा है, नॉन डिजेनरेट BFS, ये भी फाइंड करना होता है BFS किस तरह का। अगर डिजेनरेट होता है तो वो एक अलग लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, वो डिजेनरेसी में चला रहता है, उसको डिजेनरेसी के थ्रू सॉल्व किया जाता है।
नाउ अभी आपका क्वेश्चन कैसा था, नॉन डिजनरेट बीएफएस था तो इजीली सॉल्व हो गया, टीपी कॉस्ट आपका ये 1009 के इक्वल आया होगा। तो कई सारे स्टेप के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।